एक वक्त था जब राजस्थान की राजनीति वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बदलाव और फिर राजनीति का केंद्र भी बदल गया। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, तो राज्य की राजनीतिक शक्ति अशोक गहलोत के हाथ में ही है, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व बदला तो वसुंधरा राजे की राजनीतिक शक्ति कमजोर पड़ गई। यही वजह है कि वसुंधरा आए दिन केंद्र को अपनी ताकत का एहसास कराती रहती है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के बाद अपने क्षेत्र की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए अपने बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के साथ झालावाड़ जिले में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह एक इशारा माना जा रहा है कि वसुंधरा इस दौरे के जरिए पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने के साथ साथ केंद्र को ताकत दिखा रही है। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। राजस्थान में दरकिनार किए जाने के बाद राज्य केवल अपने और अपने बेटे के इलाके में ही एक्टिव है। वो पार्टी के लिहाज से राजस्थान में कहीं भी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। वसुंधरा की नाराजगी सभी ने उसी वक्त ही देख लिया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसुंधरा को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम के नाम की पर्ची पकड़ाई और जब उन्होंने उसे खोल कर देखा तो चेहरे के हाव भाव ही बदल गए थे। लेकिन ये पार्टी का फैसला था, इसके खिलाफ जाना राज्य और उनके बेटे दोनों के लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता था। हालांकि राज्य के एक्टिव न होने के कारण राजस्थान में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। झालावाड़ और बारां में पार्टी संगठन राज्य के कब्जे में है, इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा है। वहीं पार्टी साफ तौर पर राज्य के प्रभाव में है। पार्टी को पता है कि वहां राज्य के बिना नया पार नहीं लगेगी। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।